देखिए फ्रेंड, इसको मैंने हाई फ्लेम पर 2 मिनट बॉईल कर लिया है और ये बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। और अब हम इसको सर्व करते हैं। बहुत बढ़िया सी डिश को आप एंजॉय करेंगे, मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अनूठी में आपका स्वागत है। देखिए, बड़िया बनती हैं पंजाबियों के यहाँ, बहुत मशहूर है पंजाबियों की बड़िया। तो उसको क्या बना करके उड़द की दाल और चने की दाल को पीस करके उसको फिर धूप में सुखाते हैं। बड़ी बड़ी बड़ियों को, इतनी बड़ी बड़ी बड़िया बनाते हैं उसमें मसाला डाल कर। तो हम आज बनाएंगे फ्रेश बड़िया। भाई सूखी हुई बड़िया नहीं है घर में, खत्म हो जाती है, तो हम फ्रेश बड़ियों का टेस्ट कैसे ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके लिए 1 कप ये चने की दाल और ये आधा कप छिलका वाली उड़द की दाल, इसको मैं अच्छे से धो करके अलग अलग खूब अच्छे से कई सारे पानी में, इनमें से आटा निकलना बंद हो जाएगा, सफेद सफेद पाउडर खूब साफ पानी हो जाएगा, तब हम इसको धो करके अच्छे से भिगो देंगे 4-5 घंटे के लिए। 4-5 घंटे के लिए हम इसको भिगो देंगे और इसको ढक करके रख देंगे। उसके बाद हम 4-5 घंटे बाद इसको निकालेंगे। फ्रेंड्स, ये दालें 5-6 घंटे भीगी हुई है। ये है चने की दाल और ये है छिलका उड़द की दाल। इनको अच्छे से भिगो दिया है हमने। छिलका उड़द का देखिए, छिलका थोड़ा सा निकल जाता है ऐसे, जितना इजीली निकल जाए कोई बात नहीं, बाकी नहीं निकले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं इन दालों को अलग अलग, इनका पानी निकाल करके इनको मैं छान लूंगी और इसका पूरा पानी हम निकाल देंगे। इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं रहने देंगे। और देखिए इस तरह से मैं छलनी में इसको निकाल लूंगी। इस तरह से हम छलनी में इसको निकाल करके ड्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दाल को बिल्कुल पानी निकाल दिया है, फरेरा कर दिया है। आपको अगर ज्यादा गीली लग रही है तो आप इसको कपड़े से, साफ कपड़े से पोंछ भी सकते हैं, मैं नहीं पोंछ रही हूँ। और इसको हमें बिना पानी डाले पीसना है, हमें मिक्सी में इसको हम पीसेंगे तो इसमें हम बिल्कुल भी 1 चम्मच भी पानी इसमें हम नहीं डालेंगे और हम इसको मिक्सी में दरदरा पीसेंगे। मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं पहले ये उड़द की दाल को पीस रही हूँ। छिलका उड़द है, जो टूटी हुई उड़द की दाल होती है छिलके वाली, वो है, इसको मैं दरदरा पीस रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये दाल मैंने ऐसे दरदरी पीसी है, बिल्कुल भी 1 चम्मच भी मैंने इसमें पानी नहीं डाला है। और ये देखिए बड़ी अच्छे से एकदम गाढ़ी सख्त दाल एकदम पिसी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं ऐसे जैसे आटा मलते हैं ना हम, बिल्कुल इस तरह से ये दाल पिस गई है। अब हम इसी में चने की दाल पीस लेंगे। ये पूरी निकाल लेंगे, ये पूरी नहीं भी निकलेगी, थोड़ी इसमें चिपकी भी रहेगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें हम अब डालेंगे चने की दाल और इसी तरह इस चने की दाल को भी हम बिना पानी के 1 चम्मच भी हम पानी नहीं डालेंगे और दरदरा दरदरा मोटा मोटा पीस लेंगे। फ्रेंड्स, ये भी मैंने दरदरी पीस ली है, आप देख सकते हैं कितनी सख्त है। देखिए उड़द की दाल इजीली पिस जाती है, लेकिन चने की दाल को पीसने में आपको थोड़ा मेहनत लगेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, इसको बार बार चम्मच से चलाते हुए आपको पीसना पड़ेगा। लेकिन ये है कि पीसनी आपको सख्त ही है, जैसे मैंने आपको दिखाया बिना पानी के। देखिए फ्रेंड्स, ये सारी दाल मैं इस तरह से इसमें निकाल लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये दालों को हम एक साथ मिक्स कर देंगे। बहुत ही सख्त हैं, बिल्कुल जैसे हमारी पिट्टी होती है ऐसी हैं दोनों दालें। इनको बहुत ही अच्छी तरह से हम पहले मिक्स करेंगे। देखिए फ्रेंड, जब तक मैं ये मल रही हूँ, कर रही हूँ, तब तक मैंने 1 कटोरी मटर उबालने के लिए रख दी है। और इसमें मैं आपको एक और चीज बताऊंगी थोड़ा रुक करके, कि मैंने किस तरह से अपनी जो बचा हुआ चीज है कैसे इसमें ऐड करती हूँ। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा, इसमें हम डालेंगे नमक, ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे नमक। इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी हींग, तकरीबन 2 चुटकी
इससे ज्यादा हम नहीं डालेंगे हींग। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, तकरीबन हाफ टी स्पून, थोड़ी सी लाल मिर्च, बहुत जरा सी अपने टेस्ट के हिसाब से। वैसे मैं हाफ टी स्पून डाल रही हूँ, बड़ियों में अंदर मिर्च जरूर पड़ी होती है, गरम मसाला भी पड़ा होता है, कुटी काली मिर्च भी पड़ी हुई होती है, तो हम ये सब इसमें डाल लेंगे। थोड़ा सा हम डालेंगे भुना जीरा पिसा हुआ जो हम सुखा के घर में रखते हैं, और बहुत जरा सी हल्दी, ये हम इसमें डाल करके अभी अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे। मैंने काली मिर्च कुटी हुई नहीं डाली है, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 7-8 काली मिर्च मैंने कुचल ली है, इसको मैंने इमाम दस्ते में अपने कुचल लिया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी अदरक, अदरक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज्यादा कम कर सकते हैं। ये मैंने तकरीबन 2 टीस्पून अदरक इसमें मैंने ऐड कर दी है, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसको अब हम गरम गरम बड़ियों को फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, इस पर मैंने तेल डाल दिया है कढ़ाई में, रिफाइंड ऑयल, आप चाहें तो देसी घी में भी तल सकते हैं, आप इसको सरसों के तेल में भी तल सकते हैं, लेकिन ये मैं रिफाइंड में ही तल रही हूँ, और रिफाइंड भी मेरा बिना किसी उसका है महक का, इसमें कोई महक नहीं है, क्योंकि क्या होता है, एक पर्टिकुलर महक जब आती है तो आपके खाने में भी वैसे टेस्ट आता है। इसको मैंने थोड़ा सा और फेंट लिया है, इसको मैंने देखिए ये बैटर तैयार है बिल्कुल, इसको मैंने और ज्यादा अच्छे से थोड़ा सा और फेंट लिया है इस तरह से। तेल गरम होते ही मैं इसमें गरम गरम छोटी छोटी बड़ियां तल के आपको दूंगी। फ्रेंड, थोड़ा सा पानी से हाथ गीला करा मैंने, और अब मैं ये छोटी छोटी बड़ियां ऐसे इसमें मैं इसे डालूंगी। छोटी छोटी ही डालिएगा, बहुत बड़ी बड़ी मत डालिएगा, और आप शेप की इनकी चिंता मत करिए। फ्लेम अभी हाई है, फिर थोड़ा सा हाथ गीला कर लिया। इस दाल को आप ऐसे ही रख सकते हैं फ्रिज के अंदर, आपको जितनी इसमें बड़ी तलनी है आप उतनी तल लीजिए, बना लीजिए, बाकी आप इस दाल को अंदर रख सकते हैं, और आप इन बड़ियों को चाय के साथ भी खा सकते हैं। देखिए फ्लेम हाई है अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई नहीं हुई थी, इसलिए मैंने इसको भी हाई पे ही रखा है। इनको अच्छे से सिकने देंगे, करारा करारा होने देंगे, बस इससे ज्यादा मैं इसमें नहीं डालूंगी, आएंगी नहीं बढ़िया इसमें, और इनको हम लाल लाल फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड, थोड़ी जगह अपने आप छोड़ देती हैं, जो नहीं छोड़ती उनको हल्का सा ऐसे टच करेंगे ये नीचे से छूट जाते हैं। अब हम इनको पलट देंगे इस तरह से, चला देंगे जिससे थोड़ा सा सब तरफ से सिक जाए। देखिए फ्रेंड्स, इनको हमें बिल्कुल लाल लाल फ्राई करना है, एकदम बहुत बढ़िया फुल फ्लेम पर है, और इसको हमें एकदम लाल लाल सेकना है, कम नहीं सेकेंगे, और इस तरह से बीच बीच में ऐसे घुमाते रहेंगे जिससे सब तरफ से ये सेक जाए। आपको पलटने में ही पता चलेगा ये कितनी क्रिस्प हो रही है, इनकी पलटने से, इसकी आवाज से, इसके टेक्सचर से आपको मालूम चलेगा, और इस तरह से इसको हमें बिल्कुल लाल फ्राई करना है, गहरे लाल रंग का। देखिए फ्रेंड्स, ये लाल रंग की होने लगी है, इसको मैंने आंच को, अब फ्लेम को सिम कर दिया है, धीमा कर दिया है, अब इसको हम धीमी पर ही थोड़ा और लाल करेंगे, थोड़ा गहरे लाल रंग का बनाएंगे इनको हम, और थोड़ा और गहरे लाल रंग का हम इनको धीमी आंच पर ही करेंगे। एक बार इसको बनाने में 3-4 मिनट लग जाते हैं बहुत आराम से, और आपको अगर फ्लेम धीमी करके कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम और लगता है,
तो इस तरह से आप एक बार के घान को 4 मिनट जरूर दीजिए, 5 मिनट, ताकि ये अच्छे से क्रिस्प हो जाएं और लाल लाल सिक जाएं। इनको बहुत जल्दबाजी में तेज आंच पे एकदम नहीं उतारिए। जैसे ही आपको लगे फ्लेम तेज हो गई है, आप सिम कर दीजिए और इनको सिम पर सिकने दीजिए। बहुत अच्छा रंग आ गया है इनका, और अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, फ्लेम सिम है। मैं अब एक घान और उतार रही हूँ इसी तरह से, वो मैंने निकाल दी है प्लेट में। और मैं देखिए आपको, ये मैंने अभी फ्लेम सिम रखी हुई है, मैं तेज नहीं कर रही हूँ आंच को अभी, क्योंकि आंच तेज है, डालते ही ये ऊपर से सिक जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो हमें ऐसा नहीं सेकना है, इनको अंदर तक सेकना है। इसलिए अब मैं फ्लेम को सिम करके डाला है, बहुत तेज आंच हो रही थी, तो हमने सिम कर दिया है। इसको सिम पर आप डालिए, और अगर आपके हाथ में दाल वैसे तो चिपकेगी नहीं, चिपक रही है, तो आप गीला हाथ पानी से करते जाइए, और इसको आप जैसे हम दही बड़े बनाते हैं, दही पकौड़ी बनाते हैं, तो दही भल्ले बनाते हैं, मंगौड़े बनाते हैं, उसी तरह से आप इसको कर दीजिए। बहुत इजी है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती इसको बनाने में, और टेस्ट तो दुगना तिगना इसमें मिलता है आपको। बड़ा बढ़िया, एकदम सर्दियों में आपको बढ़िया नहीं है घर में, तब भी आपको इसमें मजा आएगा। फ्लेम मैंने तेज कर दी है, क्योंकि मुझे लग रहा था ये धीमी होने लग रही है, तो देखिए अब इससे ज्यादा इसमें नहीं आएगी। मैं इतनी ही अभी फ्राई करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये आखिरी घान भी तल गया है इसका, बड़ियों को फ्रेश बड़ियां हैं ये। देखिए काफी सारी बड़ी है पूरी थाली भरकर, लेकिन मैंने क्या पूरे बैटर का उतार लिया। मैं एक बार में जब भी ऐसे बनाती हूँ, उतार लेती हूँ पूरी बना करके, और रख लेती हूँ इसको मैं फ्रिज में। तो इसको हम 2 बार में करके हम इसको बना लेते हैं। और आप इसको चाहे तो दही का भी बना सकते हैं, और आप इसको टमाटर का या चाट की तरह भी आप इसको बना सकते हैं। फ्रेंड्स, उसी कढ़ाई में से मैंने तेल निकाल दिया है। थोड़ा सा तेल मैंने, तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने तेल डाल दिया है। इसमें ये देखिए मैं प्याज डाल रही हूँ, बहुत थोड़ी सी है, हरी प्याज, ये प्याज है तकरीबन आधी कटोरी मैंने इसमें प्याज डाल दी है, और इसको हम लाल कर लेंगे। इसमें मैं थोड़ी सी गार्लिक डालूंगी, लेकिन गार्लिक मैं ऐसे हाथ से ऐसे तोड़ के डालूंगी, इस तरह से कुचल के नहीं डालूंगी मैं। गार्लिक देखिए घर में रख लेती हूँ तो सूख जाती है, तो देखिए सूखी गार्लिक भी बड़ी सही रहती है। इसको हम साथ में इसके प्याज के लाल कर लेंगे। गार्लिक और अनियन वो ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते हो तो बिल्कुल मत डालिए, कोई जरूरी नहीं। और इस तरह से मैंने इस तरह से डाल दिया है, बिल्कुल देसी तरीके से हम इसे बनाते हैं। फ्लेम को मैंने अभी सिम किया हुआ है, इसे धीमे धीमे प्याज भून जाए। मैंने फ्लेम को तेज कर दिया, हमें प्याज गलानी नहीं है, गुलाबी कर दी। मैं इसमें साबुत मिर्च डाल रही हूँ, जिसको मैं ऐसे बीच में से स्लिप करके डालती हूँ, नहीं तो मिर्च पटती है और इससे बर्न्स हो सकते हैं, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए देखिए सिम करके मैंने मिर्च डाल दी है, फिर से फ्लेम तेज कर रही हूँ, और प्याज को हम और लहसुन को हम लाल कर। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं अदरक डाल रही थी तकरीबन, अदरक मैंने इसमें 1 चम्मच अदरक डाली है, कद्दूकस करी हुई है अदरक, इसको भी इसी के साथ हम भून लें। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। इसमें मैंने तकरीबन 7-8 टमाटर डाले हैं, पीस करके मिक्सी में इस तरह से, और इसको मैं इस तरह से इसमें पकने के लिए रख दूँ। देखिए फ्रेंड्स, टमाटर में बॉईल होने लगा है, गर्म हो गया है, और ये मैं इसको तब तक पकाऊंगी जब तक टमाटर की ग्रेवी गाढ़ी ना हो जाए, तब तक हम इसको इसी तरह से पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये टमाटर की ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। इसमें मैं अब थोड़ा सा इसमें डाल दूंगी दही, ये खट्टा दही है, और इसको हम लगातार चलाते हुए इसमें हम मिक्स करते हैं। फुल फ्लेम पर है,
बहुत थोड़ा सा डालिएगा इसमें खट्टेपन के लिए बस और क्रीमी करने के लिए, ताकि इसमें बहुत ज्यादा दही की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने इसमें टमाटर डाले। बस इस तरह से ये पकने लगा है और ये दोबारा से इसमें तेजी आ गई है। इसको हम तेज ही रखेंगे, अभी धीमा नहीं करेंगे फ्लेम को। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया, तकरीबन 2 टीस्पून, ज्यादा नहीं डालेंगे। बहुत जरा सी हल्दी ऑप्शनल है, अगर आपका मन है तो डालिए। बहुत जरा सी किसी लाल मिर्च, हरी मिर्च मैंने पहले ही डाल दी थी, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तेल को मैंने थोड़ा सा सिम कर दिया है क्योंकि छींटे आ रहे हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से ये मसाला बन गया है, इसको थोड़ा सा और हम भूनेंगे। मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है, अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 कप। मैंने अभी मटर बॉईल करे थे, मैंने आपको बताया था कि मटर बॉईल करने के लिए रखती है, वो मैंने डाले हैं। और ये देखिए ये वो सब्जी है जो मैंने नान पिज्जा बनाने के लिए तैयार की थी। इसमें कैरेट है, मटर है, हरे प्याज है, और देखिए आपको देख सकते हैं हरा प्याज, मटर, थोड़े से बीन्स हैं, तो ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। देखिए पनीर में मैंने मसाला मिलाया था, लेकिन इसमें मैंने नमक के अलावा कुछ नहीं मिलाया, तो इसलिए इसमें कोई और मसाले का फ्लेवर नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया। और आप चाहें तो आप थोड़ी सी कैरेट, गोभी, हरा प्याज, इसमें मटर उबले हुए आप अलग से भी इसमें उबाल करके ऐड कर सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल बस तैयार हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये अपने थोड़ी सी बड़ी, बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे हम, थोड़ी बड़ी डालेंगे, थोड़ी सी मैं अलग रख दूंगी चाट बनाने के लिए। आधी बड़ी मैंने देखिए फ्रेंड इसमें डाली है, आधी मैंने रख ली है, इसकी हम चाट बना सकते हैं कभी भी कुछ भी डिशेस से हम बना सकते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट डिशेस की भी दिखा दूंगी जो भी मैं बनाऊंगी। बस देखिए ये मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी, गरम है तेज करके, फुल फ्लेम करके इसमें मैंने पानी डाल दिया है। जितना आपको तरी रखने का मन है आप उतनी तरी रखिए, राइस के साथ खाना है तो ज्यादा तरी रखिए, रोटी, नान, तंदूरी रोटी इसके साथ बहुत अच्छी लगती है, उसके साथ खाना है तो आप तरी कम रखिए। वैसे तरी थोड़ा सा पी लेगी अभी, क्योंकि ताजी बड़ी है, हम जो सूखी बड़ी बनाते हैं वो भी पानी सूख कर लेती है। तो देखिए इसमें मैंने तकरीबन 2 कप पानी डाला है, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक आप स्वाद अनुसार डालिए। मैंने नमक डाल दिया है और अब हम इसको पका लेंगे। देखिए फ्रेंड इसमें हम 1 चम्मच चीनी डाल रहे हैं, 1 टीस्पून, ज्यादा नहीं डालिएगा। गुड़ भी आप डाल सकते हैं थोड़ा सा इसमें। हींग मैंने नहीं डाली है क्योंकि मैंने दालों में हींग डाल दी थी, बड़ी में हींग डाली है, इसलिए मैंने इसमें हींग नहीं डाली है। और देखिए इसमें बॉईल आते ही ये तैयार हो जाएगी बिल्कुल, ज्यादा टाइम इसको बनने में नहीं लगेगा। देखिए फ्रेंड इसको मैंने हाई फ्लेम पर 2 मिनट बॉईल कर लिया है और ये बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। और हम इसको सर्व करते हैं, बहुत बढ़िया सी डिश को आप एंजॉय करेंगे, मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला। इस गरम मसाले में बहुत कुछ है, तेज पत्ता, लौंग, जीरा, दालचीनी, जायफल, पीपल, बहुत कुछ है इसमें। और देखिए ये मैं अब डालूंगी हरा धनिया इसके ऊपर, अच्छे से मोटा कटा हरा धनिया डालिए, महीन कटे हुए हरे धनिए में आजकल इतना बढ़िया हरा धनिया आ रहा है कि अच्छी खुशबू आ रही है। और इसमें लाजवाब लगता है हरा प्याज, इसके ऊपर हरा प्याज डालिए आप। हरा प्याज इसमें इस तरह से ऐड करिए,
इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, ये तैयार है बढ़िया हरा प्याज, हरा धनिया, गरम मसाला डालने के बाद। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी लाजवाब ये बनती है। और आप इसको, मैं आपको दिखाती हूँ एक बोल में निकाल करके। देखिए फ्रेंड्स कितनी लाजवाब बनी है ये बढ़िया, आप देख सकते हैं। इसमें हरी मिर्च भी है, हरी प्याज भी है, हरा धनिया भी है। और आप इसको खाइए और एंजॉय करिए और बताइए कैसी बनी है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये बढ़िया। ये देखिए इतनी बढ़िया अंदर से एकदम, ये देखिए अंदर से भी इसमें रस भर गया है। दो मिनट मैंने खूब बॉईल करा है और बहुत बढ़िया, देखिए अंदर से भी कितनी बढ़िया है। आप जरूर ट्राई करिए और बताइए कैसा लगा आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको कैसा लगा और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मेरे चैनल पर विजिट करते रहिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए, आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।